मतलब अभी कहाँ वहाँ सही वहाँ से हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ब्लॉग 18 में और बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई केआर। दोस्तों हम आ चुके हैं एक फिर से हॉन्टेड लोकेशन पे, नया लोकेशन है यार। और दोस्तों ये लोकेशन जो है भाई एक जंगल के अंदर है, बीचों बीच है। हमने अभी तक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं हम सभी, और भी हमें चलना पड़ेगा, शायद हो सकता है 300 या 400 मीटर। और पता और जो दोस्तों लोकेशन है वो है यार एक चेक डैम भाई। चेक डैम आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि यार बारिश जब होती है भाई तो साइड होके एक नाला है, बरसाती नाला, उसी से होके यार पानी भाई आगे चल के एक नदी है, नदी में मिलती है। तो वहीं पे घेराबंदी किया गया है और एक चट्टान टाइप का बनाया गया है जिसमें पानी स्टॉक रखा जाता है, और वही पानी जब पेड़ वगैरह लगाते हैं, पौधा वगैरह जंगल में, तो उसी से दिया जाता है। और तो दोस्तों उसी पे बताते हैं कि यार वही जगह यहाँ का हॉन्टेड माना गया है भाई। अब वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी देखी है भाई, और हालांकि अभी तक लोगों को कोई चीज़ें नज़र नहीं आई लेकिन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों दूर से आवाज़ें आ रही होगी सियार वगैरह की। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यार हर जगह शेयर कर देना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर, और चैनल को भाई दबा के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सबों की सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मच्छर हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो चलते आगे चल के और भी बातें करते हैं। कैमरे पे आज राहुल है, राहुल के साथ और एक भाई आए हैं, उदय भाई का। दोस्तों अभी तक पूरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसी वजह से उनको हमने नहीं लाया। एक बार चारों तरफ व्यू करके दिखा दो। तो दोस्तों पूरा जंगल है भाई, और जंगल के बीचों बीच हम आ चुके हैं, और यहाँ से लगभग और भी 500 मीटर या 300 मीटर की दूरी पे होगा ना राहुल? दोस्तों जिसने भी वीडियो प्ले कर लिया भाई पूरी वीडियो देखना यार, और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना भाई, कमेंट करना ना भूले यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई तो इसी से हम यार डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग कमेंट क्या करो, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लाइक करने से दोस्तों वीडियो और भी लोगों के पास तक पहुँचती है भाई, तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों मैं आप लोगों को यार इतना जो दिखा रहा हूँ यार रास्ता भाई, मैं हो सकता था कट भी लगा सकता था, लेकिन आप लोग को दिखा दूँ कि यार ये जो लोकेशन है भाई जंगल से यार कितना ज़्यादा डीप है, अंदर है भाई। ये छाया है दोस्तों, पेड़ का छाया बना है, तो दोस्तों देख देख के मैं डर गया था यार। इस साइड से भी जा सकते हैं ना? और रात को नहीं रुकने का दोस्तों बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि जंगल है और भूत पेड़ से ज़्यादा खतरा यार सांप बिच्छू जानवरों का होता है भाई। दोस्तों वीडियो को यार बिना स्किप किए हुए देखना भाई। दोस्तों इससे कुछ ही दूरी पे दोस्तों नदी है भाई, और हम फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। पास आ जाओ इसे ढूंढ करके दिखा। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये यार कंक्रीट वगैरह मिट्टी वगैरह बनाने के लिए रखा गया था भाई। चलते हैं वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं पूरा पास। दोस्तों यही वो लोकेशन है भाई चेक डैम, और इसी जगह पे दोस्तों रात को होती है भाई एक्टिविटी। जब दोस्तों ये चीज़ बन रहा था भाई, और ये हाल ही फिलहाल में बना हुआ है, आप लोग को देख के भी अंदाजा लग रहा होगा। थोड़ी सौ इस साइड का भी दिखाऊँ, फोकस कर लेना ठीक। एक सेकंड दोस्तों मैं लाइट बढ़ा लेता हूँ भाई। दोस्तों हमने लाइट यार थोड़ा बढ़ा ली है भाई, और थोड़ा पास आ जाए इसे भी पक्षी वगैरह। दोस्तों यही बना हुआ है भाई, हाल फिलहाल का आएगा, और एक या दो दिन दोस्तों यहाँ पे कोई बंदा रुका था भाई, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होते हुए देखा भाई। उसके बाद बोल दिया कि यहाँ मैं नहीं रुक सकता हूँ, उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहने लगा, क्योंकि इतना सामान वगैरह बनाने के लिए जो भी होता है, इनका बालू बाली वगैरह
सीमेंट वगैरह भाई, तो हर रोज़ यार गांव से लाना पॉसिबल नहीं होता था। तो एक या दो दिन एक बंदा भाई ट्राई किया था, तो उसके उन्होंने यार काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे देखा। उसके बाद उन्होंने साफ मालिक से अपना मना कर दिया यार कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। और पास अगर दोस्तों को पूरा घूम के ऊपर दिखाएंगे, अभी थोड़ा बहुत पानी है और काफ़ी अभी तो पानी उतना है नहीं। पास उठती पास रूम मछली वगैरह है दोस्तों, ऐसा लगा भाई कोई चीज़ है यार पूरा मौका कम नहीं हो सकता मछली। पास अगर पास रूम दोस्तों यही वो लोकेशन है इधर दिखा दोस्तों, आप लोगों को एक बार पूरा ठीक से मैं दिखा रहा हूँ भाई। ये पूरा पानी है इस साइड, और दोस्तों उस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ उस साइड, वहाँ से होके पूरा नाला से पानी आता है और ये नाला आगे चल के दोस्तों एक नदी पे मिलता है भाई। आप लोग कैमरा ब्लर मार रहा है भाई, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आगे चल के भाई एक नदी है देख सकते हैं, और ये चेक डैम इस टाइप का बनाया गया है, इसे पूरा और चारों तरफ भाई जंगल है पूरा देख सकते, पूरा जंगली इलाका है। तो एक बार उस साइड चल के दिखा देते हैं, और दोस्तों पानी है नहीं बिल्कुल यार, कम पानी है और यही वो नाला है, इसी नाला से होके पानी आता है। और यहाँ पे एक्टिविटी बताते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी पूरा बरसाती नाला, और अंदर जाना पॉसिबल है नहीं। चलो यहाँ से निकलते हैं और दो पाँच मिनट वेट करते उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा दूर से होके आए हैं यार और मौसम पूरा भाई ख़राब हो रखा है। यहाँ पे जो भी मौजूद हो पैरानॉर्मल चीज़ें नेगेटिव एनर्जी, क्या आप बिना नुकसान पहुँचाए हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी कर। राहुल इसे भी भेकर निकलो। दोस्तों देख सकते यार पानी अभी भी हिल रहा है, अभी भी पानी है, यहाँ से निकल देखा। चलो निकलो।